आज जेल से बाहर आ सकता है राम रहीम। कांग्रेस ने पैरोल को लेकर चुनाव आयोग से आपत्ति जताई थी, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को 20 दिन की पैरोल मिली है। चुनाव आयोग ने पैरोल की मंजूरी दी थी। और सुनारिया जेल से गुरमीत राम रहीम निकले हैं। बागपत के बरनावा आश्रम की तरफ उनका काफिला निकला है। राम रहीम को 20 दिन की पैरोल मिली है। चुनाव को देखते हुए शर्तों के साथ उन्हें यह पैरोल मिली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुनारिया जेल से राम रहीम निकल चुका है। बागपत के बरनावा आश्रम की तरफ उनका एक काफिला निकला है। राम रहीम को 20 दिन की पैरोल मिली है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी धीरेन्द्र फोन लाइन पर हैं। धीरेन्द्र, तो गुरमीत राम रहीम निकल चुका है सुनारिया जेल से और बागपत बरनावा आश्रम की तरफ वो निकला है, कैसे देखते हैं आप इनकी इस पैरोल को? देखिए, राम रहीम को जिस तरीके से पिछले 2-3 दिन से खबर चल रही थी कि उन्होंने पैरोल मांगी है और इसको लेकर इलेक्शन कमीशन को एक पत्र भी भेजा गया है जेल अथॉरिटी की तरफ से, तो उसके बिहाफ पर कुछ कंडीशन लगाई गई है राम रहीम पर। हालांकि पहले भी कुछ कंडीशन इसमें थी, जैसे कि वो हरियाणा में नहीं रह सकते, हरियाणा के जैसे कई बार उन्होंने शिक्षा आश्रम के लिए पैरोल मांगी लेकिन उनको वहां के लिए नहीं मिली, तो उनको बरनावा के लिए आमतौर पर पैरोल और फरलो मिलती है, तो इस बार भी बरनावा के लिए उन्हें 20 दिन की पैरोल मिली है। और यहाँ हम एक बात और बताना चाहेंगे कि किसी भी सजा याफ्ता कैदी का अधिकार है कि उसको साल में 70 दिन की पैरोल और 3 सप्ताह की फरलो मिलती है, तो राम रहीम की पैरोल बाकी थी इसलिए उनको पैरोल दी गई है। लेकिन एक टाइमिंग को लेकर हमेशा सवाल उठते रहते हैं कि चुनाव के वक्त ही राम रहीम को पैरोल क्यों दी जाती है, और इसी को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां हैं या सामाजिक संगठन है, उन्होंने एतराज बताया कि राम रहीम को चुनाव के वक्त पैरोल क्यों दी गई है। कहीं ना कहीं वोटर्स को प्रभावित करने का प्रयास है, क्योंकि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में राम रहीम के काफी फॉलोअर हैं, और यही राजनीतिक पार्टियों का आरोप था कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में फायदा लेने के लिए राम रहीम का इस्तेमाल कर रही है, और हमेशा से ये आरोप लगते रहे हैं और हाईकोर्ट में भी ये मामला गया था। अब जब राम रहीम को पैरोल दी गई है तो कुछ कंडीशन लगाई है कि वो चुनाव संबंधी कोई बात नहीं करेंगे, सोशल मीडिया पर किसी तरह का कोई मैसेज डिलीवर नहीं करेंगे, और जो तीसरी है जो कि आमतौर पर पहले भी फॉलो की जाती रही है कि हरियाणा के अंदर वो नहीं रहेंगे, तो ये कंडीशन है। और तकरीबन आधे घंटे पहले राम रहीम यहाँ से निकल चुके हैं बरनावा आश्रम के लिए। जी धीरेन्द्र, और जैसे आपने बताया कि विपक्ष तो इस पे एतराज जताएगा ही, क्योंकि ये दूसरे इससे पहले भी अभी इनको फरलो मिली थी और उस बार कुछ स्वास्थ्य को लेकर के स्वास्थ्य इनका ठीक नहीं था उसको लेकर के ये फरलो मिली थी, लेकिन इस बार क्या किस वजह से मिली है? चलिए धीरेन्द्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी हमें देने के लिए। तो सुनारिया जेल से गुरमीत राम रहीम निकल चुके हैं, बागपत के बरनावा आश्रम की तरफ उनका ये काफिला निकला है। राम रहीम को 20 दिन की पैरोल मिली है और चुनाव को देखते हुए शर्तों के साथ ये पैरोल मिली है उन्हें। तो सुनारिया जेल से राम रहीम का काफिला बरनावा आश्रम की तरफ निकल गया है। राम रहीम को 20 दिन की पैरोल मिली है। चुनाव को देखते हुए शर्तों के साथ उन्हें यह पैरोल मिली है। चुनाव आयोग ने की तरफ से मंजूरी दी गई, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने उन्हें यह पैरोल दी। इसको लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार आरोप लगा रही हैं सरकार के ऊपर। और सुनारिया जेल से गुरमीत राम रहीम का काफिला बागपत के बरनावा आश्रम की तरफ निकला है। राम रहीम को 20 दिन की पैरोल मिली है और चुनाव को देखते हुए शर्तों के साथ ये पैरोल मिली है।
और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। राम रहीम का ये काफिला सुनारिया जेल से बरनावा आश्रम की तरफ जाता हुआ। राम रहीम को 20 दिन की पैरोल मिली है। चुनाव को देखते हुए इन्हें शर्तों के साथ ये पैरोल मिली है। इलेक्शन कमीशन ने मंजूरी दी थी, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने ये पैरोल उन्हें दी और सुनारिया जेल से ये काफिला बरनावा आश्रम की तरफ जाता हुआ। राम रहीम को 20 दिन की पैरोल दी गई है। चुनाव को देखते हुए शर्तों के साथ उन्हें पैरोल दी गई। पहली बार राम रहीम को 24 अक्टूबर 2020 को एक दिन की पैरोल मिली थी। बीमार मां से मिलने आए थे। दूसरी बार 21 को एक दिन की पैरोल मिली थी। तीसरी बार 7 फरवरी 2022 को 21 दिन की पैरोल मिली। चौथी बार जून 2022 में एक महीने की पैरोल मिली थी। पांचवी बार अक्टूबर 2022 में 40 दिनों की पैरोल मिली। छठी बार 21 जनवरी 2023 को 40 दिन की पैरोल मिली और सातवीं बार 20 जुलाई 2023 में 30 दिन की पैरोल मिली। आठवीं बार नवंबर 2023 में 21 दिन की फर्लो। 19 जनवरी 2024 को 60 दिन की पैरोल, ये नौवीं बार था। और दसवीं बार 12 अगस्त को 21 दिन की फर्लो मिली। सुनारिया जेल से गुरमीत राम रहीम का काफिला बागपत के बरनावा आश्रम की तरफ निकला है। राम रहीम को 20 दिन की पैरोल मिली है। चुनाव को देखते हुए शर्तों के साथ ये पैरोल मिली है उन्हें। चुनाव आयोग से मंजूरी मिलने के बाद हरियाणा सरकार ने ये पैरोल दी। सुनारिया जेल से गुरमीत राम रहीम का काफिला निकल चुका है बागपत के बरनावा की तरफ। राम रहीम को 20 दिन की पैरोल मिली है। चुनाव को देखते हुए शर्तों के साथ ही पैरोल मिली है उन्हें और चुनाव आयोग से मंजूरी दी गई थी, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने उन्हें पैरोल दी। इसको लेकर विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है और उसने चुनाव आयोग में आपत्ति भी जताई है विपक्ष ने। तो सुनारिया जेल से गुरमीत राम रहीम का काफिला निकला है बागपत के बरनावा आश्रम की तरफ। राम रहीम को 20 दिन की पैरोल मिली है। और इसी खबर पर हम हमारे सहयोगी धीरेंद्र का रुख करेंगे, जो कि हमारे साथ लाइव इस वक्त हैं। धीरेंद्र, तो एक बार फिर उन्हें राम रहीम को फर्लो मिल गई और विपक्ष इस पे काफी आक्रामक है। चुनाव आयोग से विपक्ष ने आपत्ति जताई है इसको लेकर। देखिए वैष्णवी, जब भी राम रहीम जेल से बाहर आते हैं तो इस तरह के आरोप लगते रहते हैं और ये लाजमी भी है, क्योंकि जब भी वो जेल से बाहर होते हैं, कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी पर ये आरोप लगते रहते हैं कि राम रहीम को पैरोल और फरलो देने के लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मंशा होती है कि चुनाव में फायदा उठाया जाए। फिलहाल हरियाणा के अंदर चुनाव है, लेकिन राम रहीम को 20 दिन की पैरोल मिली है, इमरजेंसी बेसिस बताया गया है, लेकिन उसको व्याख्या नहीं की गई है कि क्या इमरजेंसी थी। लेकिन
जिस तरीके से आरोप लगे हैं कि हरियाणा के अंदर चुनाव है इसलिए उनको 20 दिन की पैरोल दी गई है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि कोई भी सजा याफ्ता कैदी है उसका अधिकार होता है साल में 70 दिन उसको पैरोल मिल सकती है और 21 दिन के लिए फरलो भी मिल सकती है, यानी कि कुल 91 दिन तक वो साल में जेल से बाहर आ सकते हैं। और राम रहीम की 2024 में फिलहाल 20 दिन की पैरोल बाकी थी इसलिए उनको पैरोल मिली है और ये किसी भी कैदी का अधिकार है। जहाँ तक टाइमिंग की बात है, टाइमिंग को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं कि चाहे पंजाब की बात हो, राजस्थान की बात हो, या फिर हरियाणा में नगर निगम चुनाव की बात हो, या फिलहाल विधानसभा चुनाव की बात हो, या इससे पहले लोकसभा चुनाव की बात है। ऐसा होता है कि जब भी चुनाव होते हैं उससे कुछ दिन पहले या कुछ सप्ताह पहले राम रहीम को पैरोल या फरलो मिलती है और इसी पर सवाल उठते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में फायदा उठाने के लिए राम रहीम को के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखती है, क्योंकि बहुत से ऐसे कैदी भी हैं जिनको कई कई साल से पैरोल और फरलो नहीं मिली। हालांकि ये क्राइटेरिया जो हार्डकोर क्रिमिनल हैं उनके लिए होता है, राम रहीम को हार्डकोर क्रिमिनल की श्रेणी में नहीं रखा गया है, इसलिए इनको आम कैदियों की तरह जो पैरोल और फरलो का फायदा मिलता रहा है। जहाँ तक आज की बात है तो राम रहीम अब से तकरीबन आधे घंटे पहले सुनारिया जेल से बाहर निकले हैं और उनको बरनावा आश्रम में ले जाया गया है जो कि बागपत में है। हालांकि कुछ कंडीशंस भी लगाई गई हैं कि राम रहीम अपनी पैरोल अवधि के दौरान ना तो चुनाव में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी तरह की भागीदारी रखेंगे, ना ही कोई इस तरह का मैसेज देंगे जिससे चुनाव प्रभावित हो। और जो एक बड़ी महत्वपूर्ण कंडीशन वो ये है कि हरियाणा के अंदर नहीं आएंगे। हालांकि ये महत्वपूर्ण इसलिए कही जा सकती है कि हरियाणा के अंदर राम रहीम का दखल है, लेकिन मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि राम रहीम को अभी तक हरियाणा में पैरोल और फरलो काटने का मौका नहीं मिला है। हालांकि शुरुआती दौर में उन्होंने ज़रूर कोशिश की थी कि उनको सिरसा डेरा के लिए पैरोल दी जाए, लेकिन कानून व्यवस्था को देखते हुए वहाँ पर मना कर दिया गया। अब जब भी उनको पैरोल या फरलो मिली है उनको बागपत के बरनावा आश्रम में ही रखा गया है। और जहाँ तक चुनाव संबंधी दखल देने की बात है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि फिलहाल का तो डेरा की तरफ से साफ तौर पर इनकार किया जाता है कि वो चुनाव के अंदर कोई दखल नहीं रखते, लेकिन पहले यहाँ पर बाकायदा एक पॉलिटिकल विंग होती थी डेरा सच्चा सौदा की, जो कि फैसले लेती थी कि किस पार्टी को किस क्षेत्र में या किस कैंडिडेट को डेरा सच्चा सौदा के जो अनुयायी हैं वो अपना समर्थन देंगे। अब यही चिंता विपक्षी पार्टियों की है, कहीं राम रहीम कोई डायरेक्शन तो अपने अनुयायियों को नहीं देंगे, क्योंकि उनके बाहर आने के बाद जरूर उनसे उनके समर्थक है या उनके खास लोग हैं वो उनसे मिलेंगे और उनके मार्फत वो मैसेज डिलीवर कर सकते हैं। तो इसको लेकर राजनीतिक पार्टियों ने भी और कई सामाजिक संगठनों ने भी आपत्ति जताई, लेकिन आखिरकार राम रहीम को 20 दिन की पैरोल मिल गई और फिलहाल वो बरनावा आश्रम के लिए रवाना हो चुके हैं। वैष्णवी जो बिल्कुल धीरेन्द्र, और चुनाव से पहले अगर पैरोल मिलेगी तो बिल्कुल विपक्षी पार्टियां इस पर एतराज तो जताएंगे ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी हमें देने के लिए।